इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसके बड़े इंसेक्ट्स होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको हम कलेक्ट करके और मार देते हैं, अपने खेत से निकाल देते हैं। अब इसके केमिकल मेथड की बात करें तो जो मेलाथियन 50 cc है उसका 500 ml एक हेक्टेयर के लिए दवा उपयुक्त रहती है। दूसरी जो इसकी दवा है वो डाइमेथोइड है, वो 30 cc, वो भी 500 ml दवा एक हेक्टेयर के लिए उपयुक्त है। नमस्कार किसान साथियों, मैं नितेश कुशवाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मर जर्नलिस्ट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रेड पम्पकिन बीटल के बारे में। तो वो हमारे रेड पम्पकिन जो बीटल है वो हमारी कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं उनको किस प्रकार से नुकसान पहुँचाता है तथा उसके मैनेजमेंट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसके बड़े इंसेक्ट्स होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको हम कलेक्ट करके और मार देते हैं, अपने खेत से निकाल देते हैं। दूसरे इसके मैनेजमेंट की बात करें कि जब ये स्टार्टिंग होती है तो हम अपने खेत की अच्छे से निराई गुड़ाई करते हैं जिससे इसका जो ग्रब है वो हमारी क्रॉप को नुकसान ना पहुँचा सके। अब इसके केमिकल मेथड की बात करें तो जो मेलाथियन 50 cc है उसका 500 ml एक हेक्टेयर के लिए दवा उपयुक्त रहती है। दूसरी जो इसकी दवा है वो डाइमेथोइड है, वो 30 cc, वो भी 500 ml दवा एक हेक्टेयर के लिए उपयुक्त है। अगर जो हमारे खेत में ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक है तो उस टाइम के लिए प्रोफेनोफास 40 cc प्लस साइपरमेथ्रिन 40 cc, इन दोनों का घोल बना करके 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके खेत में छिड़काव करें जिससे हम इंसेक्ट से अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेड पम्पकिन बीटल इस तरीके से होता है, हल्का रेड कलर का होता है और हमारी जो क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ये पहुँचाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सबसे पहले जब ये हमारा पौधा स्टार्टिंग में होता है, मतलब ये स्टार्टिंग से ही लगना स्टार्ट हो जाता है और अंत तक हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। स्टार्टिंग में ही हमारी पत्तियों को ये छलनी कर देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें उसको काट देता है। और जब हमारा फ्लावरिंग स्टेज आते हैं तो हमारी फ्लावरिंग स्टेज जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे फ्लावर को कट कर देता है और ये हमारे फ्रूट पर डंक मार करके उसकी जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देता है। जो इसका ग्रब होता है वो हमारे तनों को काट देता है। जो इसका जो ग्रब होता है, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग की फेज होती है, जो हमारा पौधा जो हम लगाते हैं अपने क्रॉप को, उसके 20 से 25 दिन बाद जो इसका जो ग्रब होता है वो इसकी जो हमारे तना होता है उसको काट देता है। मतलब ये स्टार्टिंग से ही हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है और जब ये बड़ा हो जाता है तो हमारी जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है, मतलब पत्तियों पर रिंग टाइप के इस प्रकार से पैचेस बनाकर काटता है जिससे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की क्रियाएँ नहीं होती हैं, मतलब अच्छे से नहीं हो पाती हैं और हमारी जो यील्ड है वो 35 से 40% तक लॉस होती है। तो ये रही हमारी जानकारी कि किस प्रकार जो रेड पम्पकिन बीटल है वो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ फार्मर ग्रुप पर भी शेयर करें जिससे वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर जर्नलिस्ट को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।